खाओ तो बड़ा मजा है तुम्हारे साथ। वैसे भी किराया अगर नहीं देने दे रहे थे एक बार तो उसे सेटिंग करा दी होती, ऐसा ना कब का काम रहता। अरे मकान मालिक जी, ये सब बातें ना बाद में कीजिएगा। अच्छा है, अब जाइए, सुबह के 5 बज गए, दीदी आते ही होंगी। विद्यालय भवन तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा। ये सब ना प्यार भरी बातें ना परसों आके कर लीजिएगा, कल आके कर लीजिएगा, 2 दिन बाद आके कर लीजिएगा, लेकिन अभी जाइए। अच्छा फिर ठीक है चलता, लेकिन घूम लाऊंगा, समझ गए ना, नहीं तो किराया सर पे चढ़ जाएगा। अरे अभी तो आप बोले थे किराया माफ हो गया। देखो ये हमारा तुम्हारा मैनेज का है ठीक है, लेकिन तुम्हारी दीदी अगर किराया लेगी तो मैं ले लूंगा, अब तुम अपनी दीदी से मत बोलना किराया माफ हो गया है, जो पैसे तुम्हारी दीदी देगी मुझे वो मैं तुम्हें जो दूंगा ना डार्लिंग, और उससे तुम शॉपिंग करना है। चलो अब मैं चलता हूँ, अब तुम घर में थोड़ा आराम करो, थक गई होगी है ना। ठीक है। अरे यार वाह, पहली बार लाइफ में किसी लड़के के साथ किया मैंने, वो भी मकान मालिक खुद आके बोला मुझे, क्या नसीब है मेरी। बड़ी दीदी बोल रही थी यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, बॉयफ्रेंड मत बना, लो अब आके रोक लो, अब तो मकान मालिक ही मुझ पर लट्टू हो गया है, अब रोज रोज का पत्ता तो मैं ही काटूंगी, और उससे मजे भी लेती रहूंगी और पैसे अलग।